गौतम बुद्ध से ईर्ष्या नफरत करने वाला व्यक्ति कैसे बन गया शिष्य? गौतम बुद्ध जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेश लोगों को काफ़ी प्रभावित करते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे। इस दौरान एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तभी गौतम बुद्ध की एक व्यक्ति से भेंट हुई और वह व्यक्ति गौतम को गाली देने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द नहीं बोला। इस पर वह व्यक्ति आँख बबूले होकर और क्रोधित हो गया और उसके पूर्वजों को भी गाली देने लगा। यह देखकर गौतम बुद्ध के शिष्यों ने कहा, महाराज यह व्यक्ति आपको इतना बुरा भला कह रहा है और आप चुप हैं, आप कहीं तो हमने उसकी टांगें तोड़ दी। गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। और गौतम बुद्ध बोले, तुम सब चुप खड़े रहो, इसे बोलने दो। और वह व्यक्ति इस बात को सुनकर काफ़ी गुस्सा हो गया। उसने गौतम बुद्ध के ऊपर नीचे से धूल उठाकर मुंह पर फेंक दी और अंत वह व्यक्ति अपने घर चला गया। जब घर जाकर वह विश्राम कर रहा था, उसके मन में विचार आया, उसने ये क्या कर दिया है, उसने गौतम बुद्ध के साथ काफ़ी गलत किया है। इस बात को लेकर वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन जब वह गौतम बुद्ध की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और अंत में जब उसकी भेंट गौतम बुद्ध से हुई, तो वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे माफ़ कर दें। गौतम बुद्ध बोले, शांत हो जाओ और बताओ तुम कौन हो। वह व्यक्ति यह सुनकर चौंक गया और बोला, महाराज मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूँ जिसने आपके ऊपर कल धूल फेंकी थी और आपका अपमान किया था। बुद्ध बोले, कल की बातें कल पर छोड़ दो, वे अच्छी हों या बुरी मैं बीते हुए बातों पर विचार नहीं करता, बस आगे चलते जाओ। वह व्यक्ति इन बातों को सुनकर काफ़ी प्रभावित हुआ और बुद्ध से प्रेम करने लगा और वह साथ ही साथ बुद्ध का काफ़ी बड़ा शिष्य बन गया। मित्रों, न तो आप भविष्य में जा सकते हैं और न ही भूतकाल में जाकर अपना भविष्य बदल सकते हैं, सिर्फ आप वर्तमान में रहकर अपना भविष्य बदल सकते हैं। थैंक यू।